हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन वेलकम टू अन अकाडमी सेपियंस यूट्यूब चैनल दिस इज डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। हेलो 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 रुद्रांश श्रुति मयूरी प्रतीक रोहित सिप्रा कैफ अफसा कनक स्नेह लता जिब्रन स्वाति गुड इवनिंग बेटा कैसे हैं मेरे सभी बच्चे गुड इवनिंग, अंकिता यश अद्रजा दीक्षा खुशी रुकैया हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन चलिए आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एमसीक्यू करने वाले हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेंगे या किसी भी चीज़ को एनरोल करेंगे तो आप कोड यूज़ करेंगे डॉक्टर प्रणानी लाइव अगर आप ये कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते टाइम तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी वॉट गेट पर्सनल मेंटोरशिप मिन्टोरशिप यूज द कोड डॉक्टर प्रणाली लाइव ठीक है ये वाला कोड आपको यूज करना है अभी कल का मैं बताती हूँ बेटा कल सुबह है ना नाइनटीन दिसंबर है कल इलेवन ए एम पे कॉम्बैट होने वाला इलेवन ट्वेल्थ ड्रॉपर के लिए सेपरेट पेपर है फोर्टी फाइव मिनट्स में ट्वेंटी एट क्वेश्चन है मैरिट सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं टॉप फिफ्टी रैंकर्स को और थाउजेंड लकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट्स भी हैं ठीक है तो नीट यूजी मेगा कॉम्बैट नाइनटीन दिसंबर इलेवन ए एम ओके क्या इसका टाइम टेबल है या क्या कोर्स है तो ये आप देख सकते हो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये कोर्स है प्लस पे पढ़ाती हूँ ना बेटा मैं प्लस पे पढ़ाती हूँ गुड इवनिंग स्नेहानासुआ यश न तो चलिए अपन आज का सेशन शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर वन क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हो यश मैं बिल्कुल स्पेशल क्लासेस लेती हूँ आज रात को स्पेशल क्लास पे दस बजे आ जाना जहां पे तुम कमेंट टाइप कर रहे हो यश उसी के ऊपर एक पिन है मेरी प्रोफाइल लिंक डमी की उसको ज्वाइन कर लो तुम मुझसे फॉलो कर लो अन अकेडमी पे ताकि जब भी मेरी प्लस की क्लास होगी स्पेशल की क्लास होगी तो मैं पता चल जाएगा आज रात को दस बजे स्पेशल की क्लास होने वाली है अन अकेडमी पे प्री क्लास है सब बच्चा आ सकता है प्लांट किंगडम का एमसीक्यू क्यू है ठीक है यश हम्म आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर वन मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड आर मेजर कंपोनेंट फूड का क्या है कार्बोहाइड्रेट भी है प्रोटीन भी है फैट भी है तो ये सभी मेजर कंपोनेंट है तो फिर माइनर कंपोनेंट क्या होता है जो विटामिन और ये मिनरल्स हैं ये माइनर कंपोनेंट है क्यों है बेटा माइनर क्योंकि ये कम अमाउंट में चाहिए क्योंकि ये कम अमाउंट में चाहिए इसीलिए ये माइनर है नेक्स्ट पर आ जाओ इन विच टाइप ऑफ डेंटिशन बकल कैविटी इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन कौन से टाइप का डेंटिशियन होता है जिसमें टूथ बकल कैविटी में बकल कैविटी मतलब माउथ में जॉ के बोन्स में एम्बेडेड है ऐसे डेंटिशियन को क्या बोलेंगे दिस डेंटिशियन इज इस डेंटिशन को हम बोलेंगे थीकोडोंट थीकोडोंट में टीथ जो रहते हैं ये जॉ सॉकेट में जो बोन्स है ऐसे लगे हुए रहते हैं दांत ठीक है नेक्स्ट डेंटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला क्या होगा एडल्ट ह्यूमन बीइंग का बेटा जब भी आंसर लिखो तो ऐसा लिखो कि थ्री का है वन बाकी मुझे पता रहे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे ठीक है तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट ह्यूमन बींग का ये कितना है इट इज टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री ये डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट ह्यूमन बींग का द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या है बताओ फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या है खाना भी यहीं से जाता है है ना एयर भी यहीं से जाती है वॉट इज द कॉमन पैसेज द कॉमन पैसेज इज फैरिंग्स फैरिंग्स ठीक है कॉमन पैसेज है फूड और एयर का ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट सभी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है बेटा एक कैलकुलेशन रखना जरूर कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है ठीक है एक कैलकुलेशन रखना कि कितना सही हो रहा है हम्म, तो बेटा सभी क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है पर इलियम नहीं है ना डियोडनम जिजनम ईलियन डियोडनम जेजुनम और इलियम ये किसका पार्ट होता है ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओके नेक्स्ट ईसोफेगस ओपन्स इन विच पार्ट ऑफ दी स्टमक ईसोफेगस स्टमक के किस पार्ट में एंटर होता है ईसोफेगस जो है देखो ना ये ईसोफेगस है फूड का पाइप को ईसोफेगस बोलते और ये स्टमक है तो स्टमक के कौन से पार्ट में आके ईसोफेगस अटैच होता है तो जो होता है बताओ बेटा कौन वेरी गुड ईसोफेगस अटैच होगा कार्डियक पार्ट में ये वाला पार्ट रहता है पाइलोरिक होता है पंडिक। और ये होता है बॉडी तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स्थ वाले का इट विल बी कार्डियक कार्डियक पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवंथ सेवंथ पे आ जाओ वेरी गुड अनासुया, ईशु, ममता श्रुति कल्पना मोहम्मद सिपरा नुरेन, तमा श्रुति इंडियन मोहसिन अरशी कैफ हफसा दीक्षा और कौन-कौन है बेटा उर्वशी कल्पना स्नेह लता कनक मोहसिन अंकिता पवार प्रतीक राधिका आस्था यशपाल खुशी nice बेटा nice. कितने pair of salivary present? Salivary gland के, कितने के प्रेजेंट है थ्री पेयर प्रेजेंट है जोड़े से है ना सब मैगजिलरी और सबलिंगुअल तो तीन जोड़ी है और टोटल हो कितनी जाएगी टोटल हो जाएगी छ तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा सेवेंथ का आंसर बी हो जाएगा विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एट्थ वाला आज बताया भी था मैंने ये क्लास में कि कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है एंडोक्राइन पार्ट भी है इसीलिए इसे कॉम्पोजिट ग्लैंड बोला जाता है ठीक है इसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है और इसे हेड्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है नहीं बेटा गोल ब्लैडर ने आज पढ़ाया था ना सबको याद है बहुत स्मार्ट बच्चे हैं मेरे नेक्स्ट ग्लिसेंस कैप्सूल इज रिलेटेड टू कैप्सूल किससे रिलेटेड है कैप्सूल किससे रिलेटेड है ग्लिसेंस कैप्सूल इज रिलेटेड टू

जुल्फर अंकिता पवार एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन पार्ट क्या प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकगॉन दोनों प्रोड्यूस करेगा ठीक है बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन बाइल स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है इसमें बाइल इज स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन बाइल प्रोड्यूस कौन करेगा बाइल तो बाइल को जो प्रोड्यूस करता है इसे बोलते हैं लिवर इसे क्या बोलेंगे लिवर. लेकिन जो बाइल को स्टोर करता है इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे गॉल ब्लेडर ठीक है तो इट इज गोइंग टू बी गॉल ब्लेडर नेक्स्ट विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एबडोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डाइफ्राम एबडोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है डाइफ्राम के जस्ट नीचे बताइए विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एबडोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डाइफ्राम ठीक है तो देखो ना ये लिवर है, है यहाँ पे डायफ्राम में तो इसका आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर इसका क्या हो जाएगा गॉल ब्लैडर हो जाएगा बेटा विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एबडोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डाइफ्राम ठीक है बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी है यहां पे अगर लिवर ऑप्शन होता तो तुम लिवर भी लगा सकते थे ठीक है लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी है सबसे बड़ी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी है सबसे बड़ी ये होती है लिवर और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा मुझे तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताओ तो तुम क्या बताओगे ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड है पर अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताओ तो तुम क्या बताओगे कोई बता सकता है वेरी गुड जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है दैट इज थ लार्जेस्ट ग्लैंड में वो लगाना और लार्जेस्ट एंडोक्राइन में थायरॉइड लगाना द वॉल ऑफ एलिमेंट्री केैक्टम पजेस डैश है बताओ जो वॉल है ईसोफेगस से लेकर रैक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की कितनी लेयर्स हैं? सबसे बाहर वाली होगी सरोसा, फिर होगी मस्कुलरिस, फिर होगी सब म्यूकोसा और फिर होगी म्यूकोसा तो कितनी लेयर हो गई चार लेयर हो गई इनर सर्क्यूलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल ठीक है द मेजर फंक्शन ऑफ बकल कैविटी इज बकल कैविटी का मेजर फंक्शन क्या है बकल कैविटी क्या करती है बेटा बकल कैविटी यानी कि माउथ ये आपको मैस्टिकेशन में मदद करती है चबाने में मदद करती है और स्वेलो करने में ना डी में क्या करती है मदद करती है समझे वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोनों में ही कर रही है ना ग्लूकेगॉन कौन सी करता है ग्लूकेगॉन तो पेनक्रियास तो पेनक्रियास का अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ स्फिंक्टर रेगुलेट्स दी ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक फिंकटर किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है बेटा अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लग रहा है एनसीआरटी बेस्ड लग रहा है ना तो डू लाइक द सेशन बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर जो रेगुलेट करता है किसकी ओपनिंग को करता है स्टमक की ओपनिंग को डिओडनम में स्टमक की ओपनिंग को डॉडनम में करता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लिवर की वो क्या है वॉट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो लिवर की है दैट इज हिपैटिक लोब्यूल्स और इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर जो लिवर सेल होते हैं उन्हें क्या बोले बोलते हैं इन्हें हिपैटोसाइट बोलते हैं दे आर नोन एज हिपैटोसाइट क्या बोलेंगे बेटा वेरी गुड अंकिता एशु मेघा अनासुया दीक्षा आस्था श्रुति सिप्रा, प्रतीक स्वाति स्नेहलता हफ्सा शमा पवार रुकैया मीठी स्वाति अर्शी ममता कल्पना वेरी गुड बेटा अंजलि राधिका मोहसिन रुद्राक्ष वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस बहुत अच्छे मैच कर दो इसको मैच द कॉलम क्वेश्चन नंबर एटीन पैरोटिड से सिलाईवरी ग्लैंड्स क्या होती है चीक पे होती है सब मैग्जिलरी जॉ लोअर जॉ और सब है ना जो लिंगुअल है वो बिलो दी, टंग होगी लिंग्वल कहाँ होगी बिलो दी टन बाइल कैन बी प्रिवेंटेड टू रिलीज इंटू डिम बाई बाइल को अगर मुझे रोकना है कि डिओडनम में नहीं रिलीज हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ अगर बाइल को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा Of Odie, देखो, एक डक्ट बन गई डक्ट डो बाइल का सिक्रीशन देगी ये फिंकटर ऑफ ओडाई से ही रोक पाएंगे ना डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोड टीथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेटा बहुत सारे बच्चे गलत भी बताएंगे ठीक है डेंटल फॉर्मूला ऑफ़ मोनोफायोडोंट टीथ क्या है बताओ तो देखो जो टीथ टू वन टू थ्री है ये टू वन टू थ्री है ठीक है बचपन का कर कंपेयर करो टू वन जीरो टू टू वन जीरो टू है ना अब चेक करो कि कौन से दांत ऐसे होंगे जो लाइफ में एक ही बार आए होंगे ये तो बचपन में भी थे ये बड़े हो के भी थे बचपन में भी थे बड़े हो के भी थे पर यहाँ देख रहे हो ये बचपन में नहीं थे और ये बड़े हो के आए है ना तो यहाँ पे जो ये टू है ये बड़े हो के आए फिर यहाँ पे थ्री थ्री बचपन में ये टू टू थे मतलब एक दांत ऐसे जो एक ही बार आए लाइफ में इसीलिए ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें आपको बचपन का जो डेंटल फार्मूला है ना वो और जो बड़ा हो के अब जो एडल्ट का डेंटल फार्मूला है ना ये कंपेयर करना है ओब्लिक लेयर इज प्रेजेंट इन ओब्लिक लेयर किस में प्रेजेंट है बताइए ओबलिक लेयर इज प्रेजेंट इन तो जो अपनी बॉडी में बेटा एलिमेंट्री कैनाल होती है ना इसमें चार लेयर होती है सिरोसा मस्क्युलर है म्यूकोसा म्यूकोसा ये बेटा बहुत ज़्यादा मोडिफिकेशंस में प्रेजेंट होती है इनमें कुछ ना तो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जैसे तुम स्टमक की अगर मस्क्युलर लेयर देखो तो स्टमक की मस्कुलर लेयर में एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है दैट इज नोन एज ओब्लिक लेयर ठीक है अभी और मॉडिफिकेशंस बताते हैं जब तुम डियोडनम की सब म्यूकोसा देखोगे तो वहाँ पे ग्लैंड होती है डियोडनम की सब म्यूकोसा में क्या होती है ग्लैंड होती है कौन सी ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड होती है और अगर तुम स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा देखोगे तो वहाँ पर विलाय होती है ठीक है और रियुगे भी होते हैं स्टमक में तो ये बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है बेटा पॉलीसिस्टाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ पॉली वर्ड किसके लिए यूज़ होता है पॉली वर्ड किसके लिए यूज होता है पॉली वर्ड बताओ ली वर्ड यूज होता है गॉल ब्लैडर के लिए तो गॉल ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसे कॉलेसिस्टाइटिस बोलेंगे अगर आपको एक और चीज रिलेट करनी है ना तो आप सीसी के हॉर्मोन के बारे में सोचो पॉलेसिस्टोकाइनिन ये कॉलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है ये कॉलेसिस्टोकाइनिन बेटा गॉल ब्लैडर मतलब लिवर में से ये जो गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज में हेल्प करता है ओरल कैविटी लीड जिन शॉर्ट फैरेंग च सर्वज एज कॉमन पैसेज फॉर किसके लिए कॉमन पैसेज सर्व करता है किसके लिए कॉमन पैसेज सर्व करेगा बेटा ट्वेंटी थ्री ओरल कैविटी एक शॉर्ट फेरिंग्स में जाता है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर ट्वेंटी थ्री का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा

दैट इज नोन इज वॉट बेटा एपिग्लॉटिस आपने देखा यह क्वेश्चन कितनी सारी बार आता है हर जगह आ जाता है बेटा हर जगह आ जाता है प्रेनुलम इज फ्रेनुलम क्या होता है वॉट इज फ्रेनुलम फ्रेनुलम क्या होगा बेटा वॉट इज फ्रेनुलम आपको क्या लगता है फ्रेनुलम क्या होता होगा तो जब आप टंग ऊपर करते हो तो ऐसे देखते हो कि टंग है और ये जो ओरल कैविटी की जो फ्लोर है ये एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है इसे फ्रेनुलम बोलते हैं फोल्ड अटैचिंग टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी इसे फ्रेनुलम लिंगवे बोला जाता है क्या बोला जाता है फ्रेनुलम लिंग्वे बोला जाता है नेक्स्ट च्यूइंग इज रिक्वायर्ड फॉर च्यूइंग किसके लिए रिक्वायर्ड है च्यूइंग किसके लिए रिक्वायर्ड है चबाना क्यों जरूरी है ये पूछ रहे हैं च्यूइंग इज रिक्वायर्ड फॉर च्यूंग किसके लिए ज़रूरी है चबाते क्यों हो आप फूड का सरफेस जैसे अभी तुमने एक इक्लेयर्स खाई ये इतनी छोटी थी ठीक है अब तुमने इसको च्यू कर दिया तो इसका सरफेस एरिया चबा चबा के इतना बड़ा हो गया अब इस पर क्या होगा कि एंजाइम्स अच्छे से एक्ट कर पाएंगे इसीलिए क्या है च्यूइंग ज़रूरी है तो इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल दो पता है बेटा कि टेस्ट ऑफ फूड भी तुम इसी से एंजॉय कर पाओगे जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो दो दो इसके आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है हार्ड च्यूइंग सरफेस ठीक है कड़क कड़क जो च्यूइंग सरफेस है टीथ का वो किसका बना है इट इज मेड अप ऑफ हार्ड च्यूइंग सरफेस किसका बना है वेरी गुड स्वाति कल्पना जिग्नेश आस्था प्रतीक जिबरन कल्पना फरहीना रुकैया अर्षी एपिग्लॉटिस कैसे काम करता है कौन पूछ रहा है रोहित बताते बेटा इनेमल एपिग्लॉटिस ऐसे काम करता है कि ये तुम्हारा ग्लॉटिस है ग्लॉटिस मतलब पता है क्या होता है ट्रैकिया की ओपनिंग ट्रैकिया पता है बेटा क्या होता है विंड पाइप से हवा अंदर जाती है अब इसी के पीछे क्या लोकेटेड होता है बेटा ईसोफेगस लोकेटेड होता है अब जब तुम खाना स्वेलो करते हो तो खाना ईसोफेगस में जाए और ये ग्लॉटिस में ना गिरे इसीलिए उसके ऊपर एक कैप नीचे लग जाती है ऐसी कैप होती है ढक्कन ऐसा लग जाता है चलिए ऐसे दांत किस में मिलेंगे ट्वेंटी ऐसे किस किसमें मिलेंगे हीकोडोंट डायफायोडोंट हेट्रोडोंट दांत किसमें मिलेंगे दे विल बी इन तो ये मिलेंगे मैमल्स में ऐसे दांत किस में मिलते हैं बेटा ऐसे दांत मैमल्स में मिलते हैं ऐसे दांत में मिलेंगे। के तीन तीन ठीक है 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 ये तो आपको भी पता है, तीन है. Body भी पता होती बेटा चार मेजर हो गए न्यू एनसीआर के अकॉर्डिंग अब आप बताओ कि ईसो किस किसमें खुल रहा है ईसो किस किसमें ओपन होगा ईसो विल ओपन इन टू नहीं नहीं बेटा क्रोकोडाइल में थोड़ी ट्वेंटी सिक्स वाला क्या समझाना है बताया तो ना बेटा ट्वेंटी सिक्स वाला स्नेहा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा एंजाइम काम कर पाएगा हाँ तो कहाँ पे ओपन हो रहा है ईसोफेगस ईसोफेगस विल ओपन इन कार्डिय पार्ट ये वाला पार्ट ठीक है इनकरेक्ट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल हिस्टोलॉजी इनकरेक्ट बताओ गलत बताओ अब ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कौन बच्चा बहुत सारा पढ़ता है है ना किसको लाइन टू लाइन एनसीआरटी याद है? हिस्टोलॉजी वाला बताओ क्या गलत होगा हट्टी इससे पता चलेगा बेटा कौन बहुत पढ़ता है ना? तो जो मस्क्यूलरिस क्या होती है इनर सर्क्यर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था आईसी आउल आईसी मतलब इनर सर्क्यूलर आउल मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल थर्टी का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा थर्टी का क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा है ना नाइस ब्रश बॉर्डर, ब्रश ऑर्डर नहीं है बॉर्डर है ब्रश बॉर्डर कॉलमनल एपिथीलिया ंग ऑफ इसकी लाइनिंग है बेटा ब्रश बॉर्डर कॉलमर एपिथीलिया थर्टी वन ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथिलिया इज द लाइनिंग ऑफ इसकी लाइनिंग है थर्टी वन किसकी लाइनिंग है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय होती है इन -like -like पे और micro होती है तो ये कैसा appearance दे रही है ये एक brush border की तरह appearance दे रही है तो थर्टी वन का क्या हो जाएगा थर्टी वन का डी हो जाएगा डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलेंगे थर्टी टू गोल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलेंगे वेरी इजी क्वेश्चन गोल ब्लैडर अभी बताया था बेटा गोल ब्लैडर मतलब गोल मतलब ब्लैडर मतलब क्या सिस्टिक डक्ट देखो मैं इसका एक डायग्राम बनाती तो मैं बहुत अच्छे ये हो गया लिवर ये क्या हो गया आपका लिवर इस लिवर के लेफ्ट पोर्शन से भी एक डक्ट निकलती है राइट पोर्शन से भी डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं लेफ्ट बाइल डक्ट नहीं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट ठीक है अब ये दोनों जुड़ जाती हैं और ये क्या बनाती है हिपैटिक डक्ट ना ये हिपैटिक डक्ट बनाती है अब यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ गोल ब्लैडर है तो गोल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आती है गोल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है ठीक है तो ये सिस्टिक डक्ट आ गई और अब जब सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक जाती है तो ये क्या बना देती है कॉमन बाइल डक्ट बना देती है पर जो गोल ब्लैडर से निकला वो क्या था डक्ट था इलियम में क्या मिलेगा इलियम में क्या मिलेगा प्रतीक वेरी गुड बेटा पवार मनीष यशपाल रोहन खुशी अंकिता फरहीना राधिका रोहित मिस जयश्री हफ्सा शमा सिपरा नुरेन खुशी दीक्षा और कौन कौन है अभ्यास वेरी नाइस बहुत अच्छे थ्री क्या मिलेगा पेयर्स पैचेस मिलेंगे एंड मिलेंगे पेयर्स पैचेस एंड विलाय यहीं पे मिलेगी कौन सा क्लास ज्वाइन करना है रोमू तो मन अकेडमी डाउनलोड कर लो रामू कोड पूछेगा वो तो एक कोड एंटर करना डॉक्टर प्रणाली लाइव इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भूल ना जाओ फिर जहाँ पे तुम कमेंट कर रहे हो ना वहाँ पे तुमको एक लिंक पिन दिख रही है उसको फॉलो कर लेना और रात को दस बजे क्लास में आ जाना प्री क्लास है इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड थर्टी फोर्थ गैस्ट्रिक लांड्स कहाँ पर लोकेटेड होती है म्यूकोसा में होती है क्या थर्टी फोर्थ का क्या हो जाएगा बी वेरी गुड टॉक्सिक सब्सटेंस जो डाइट में है उसको डी कौन करेगा टॉक्सिक सब्सटेंस जो डाइट में है उसे डी कौन करेगा टॉक्सिक सब्सटेंस लिवर में जाकर कर डिटॉक्सीफाई होता है एल्कोहल हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है तो जब एल्कोहल कोई कंज्यूम करता है तो वो भी लिवर में जाती है डिटॉक्सीफाई होने के लिए और जब वो लिवर में डिटॉक्सीफाई होने के लिए जाती है तभी तो जो अल्कोहल पीता है उसका क्या खराब होता है तभी तो उसका लिवर खराब होता है बेटा समझे क्या नेक्स्ट डज नॉट प्रड्यूस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम डाजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता कौन डायजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता बताइए बेटा कौन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता कोलोन कोलोन में कोई डाइजेशन थोड़ी होता है है ना यहाँ पर नहीं होगा कोलोन में नहीं होगा आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट बताइए करेक्ट बता दो बेटा जल्दी से वेरी नाइस nice, बहुत अच्छे बेटा वेरी नाइस इलियम इज हाईली कोल्ड बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जियोडनम से नहीं निकलता है बेटा सीकम इधर से निकलेगा सिरोसा तो आउटर मोस्ट है ना कि इनर मोस्ट और इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट मैच द कॉलम थर्टी एट मैच द कॉलम मैच द कॉलम कर दो बेटा जल्दी से मैच द कॉलम थर्टी एट कैसे मैच करोगे क्रिप्ट ऑफ लिबरकून स्मॉलम ब्रूनर्स ग्लैंडम वेरी गुड अंजलि रुद्रांश स्नेहलता मनीष यशपाल उर्वशी नुरैन खुशी स्वाति फरहीना निहाल प्रतीक बहुत बढ़िया उर्वशी सिप्रा वेरी नाइस ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है ह्यूमन के दांत कैसे हैं बेटा ह्यूमन के डेंटिशन कैसे हैं? है क्योंकि जॉ सॉकेट्स में एम्बर्डेड है है क्योंकि लाइफ में दो बार आते हैं पहले मिल्क टीथ आते हैं टेम्प्री टीथ और फिर आते हैं हेट्रोडोंट 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 मतलब क्या होता है का मतलब होता है अलग अलग टाइप के जैसे इंसीजर्स आ रहे हैं केनाइंस आ रहे हैं मोलर्स आ रहे हैं प्रीमोलर्स आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर्टी एक बेबी है वो तुम डॉक्टर बन गए हो ठीक है तुम्हारे पास डेंटल चेकअप के लिए आ रहा है ठीक है अब तुम्हें बताना है कि बॉडी के बच्चे के पास बीस टीथ है ट्वेंटी टीथ है कौन से टीथ बच्चे में एब्सेंट है ये बताओ कि कौन से टीथ बच्चे में एब्सेंट है कौन से टीथ बच्चे में एब्सेंट है प्री मोलर्स बच्चे में एबसेंट रहते हैं प्री मोलर्स लाइफ में एक ही बार आते हैं और एडल्ट में ही आते हैं ठीक है वेरी गुड बेटा एक्सक्लूसिव ममता हफ्सा उर्वशी आस्था विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टेरियल एंजाइम कल प्लांट किंगडम की मेंटी क्विज विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टेरियल लाइजोजाइम लाइजोजाइम कौन सिक्रीट करता है लाइजोजाइम कौन सिक्रीट करता है फोर्टी वन बताओ बेटा फोर्टी वन तो कोई सही नहीं बताया अभी तक फोर्टी वन का आंसर कौन करेक्ट देगा ल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टेरियल लाइजोजाइन पैनेट सेल सिक्रीट करते हैं याद रखना अब है ना पैनेट सेल बहुत बच्चों को नहीं पता था ये अच्छा वही पूछा है बेटा कि प्राइमरी डेंटिशियन ठीक है और जो परमानेंट डेंटिशियन आता है वहां पे कहाँ जाकर डिफरेंस आ जाता है किस चीज का डिफरेंस है प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ तो जो प्राइमरी डेंटिशन है उसमें क्या नहीं होता है उसमें प्रीमोलर नहीं होता है और जो सेकेंडरी डेंटिशन आता है बड़े ओके हमारे पास जो है उसमें प्रीमोलर है तुम डिफरेंस देखो ना डेंटल फॉर्मूला में टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री टू वन ओ टू टू वन ओ टू ठीक है हाँ क्स्ट वेयर डू सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कहा होता है बेटा है ना सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा होता है फोर्टी थ्री कहा लोकेटेड होता है सीकम में लोकेटेड होता है इन दीकम दो फ्रेंड्स साथ में खाना खा रहे हैं एक उसमें से कफ करना शुरू कर देता है जब वो स्वेलो कर रहा था तो किसका इमप्रॉपर मूवमेंट हुआ होगा इट माइट बी ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ किसका इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ होगा एपीग्लॉटिस एपिग्लॉटिस ही तो स्वेलो करते टाइम फूड को विंड पाइप में नहीं जाने दे रही थी अब एपिग्लॉटिस का मूवमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो खाना कहाँ चले गया प्रैक्टिया में चले गया खांसी होने लग गई ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है बताओ ब्रूनर्स ग्लैंड जो है बेटा ठीक है कहाँ होती है डियोडनम में होती है ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन डियोडनम नेक्स्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंटेस्टिनल विलाय इंटेस्टिनल विलाय के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या है वॉट इज इनकरेक्ट गलत क्या है बेटा इनके पास माइक्रोव होती है क्या बिल्कुल होती है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं बिल्कुल बढ़ाते हैं कैपिलरीज और लैक्टियल वेसल्स होती है बिल्कुल होती है डाइजेशन ऑफ फ़ैट में काम करते हैं क्या डाइजेशन ऑफ फ़ैट में नहीं काम करते हैं एबजॉर्प्शन ऑफ फैट में करेंगे ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फ़ैट में करेंगे इधर आ जाओ द ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल कौन सी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के, के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो आपको भी पता है कि जो किडनी है ठीक है उसके ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं मिलती है इट इज नॉट फाउंड इन एलिमेंट्री केनाल तो आंसर क्या हो जाएगा एड रीनल ग्लैंड इट इज वॉट सुपरा रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड है सुपरा रीनल ग्लैंड है लिवर क्या होती है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसमें क्या होते हैं वेरियस फंक्शन होते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा सेशन बढ़िया लग रहा हो तो डू लाइक इट बेटा है ना वेरी गुड दीक्षा प्रतीक रोहित फरहीना रुकैया अंकिता नुरेन सिप्रा कैफ मनीष उर्वशी हिमांशी यशपाल ममता वेरी नाइस nice. फोर्टी एट तो ये क्या करती है सब कुछ करती है बस गैस्ट्रीन जो है वो नहीं बनाती है ठीक है गैस्ट्रीन हार्मोन नहीं बनाएगी इनकरेक्ट बताओ गलत बताओ सिर्फ दो क्वेश्चंस बचे मन लगा के करो इनकरेक्ट क्या है गलत क्या है वॉट इज रॉन्ग स्टेटमेंट म्यूकोसल एपिथिलिया के पास गॉबलेट सेल है जो म्यूकस करती है हाँ म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है स्टमक में और क्रिप्स और विलाई बनाती है इंटेस्टाइन में सेल जो विलाई को लाइन करते हैं उसमें ब्रश बॉर्डर यानी कि माइक्रोविलाई होती है ये भी सही है ये गलत हुआ ना क्योंकि जो चारों बेसिक लेयर है वो कुछ मॉडिफिकेशन शो करती है पर यहाँ पे लिखा है कि कभी भी मॉडिफिकेशन शो नहीं करती है मतलब ये तो गलत है कि मॉडिफिकेशन नहीं शो करेगी बिल्कुल मॉडिफिकेशन करेगी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आउटर मोस्ट लेयर जो है एलिमेंट्री कैनाल की वो क्या है आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री तो जो आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की वो क्या है बेटा सरोसा और इनर मोस्ट क्या है म्यूकोसा तो इस तरीके से हमने आज पूरे फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा है तो डू लाइक द वीडियो एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया शायद आप लोगों का फेवरेट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब ऐसा लग रहा था तो इट एन अमेजिंग सेशन रात को दस बजे प्लांट किंगडम का एमसीक्यू है अन अकेडमी की ऐप पे अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करो कोड यूज करो डॉक्टर प्रणाली लाइव डी आर पी आर ए एन ए एल आई ई और आ जाओ मेरे सेशन ठीक है रात को दस बजे मिलते हैं बेटा तब तक के लिए बाय बाय डिनर करके आना बढ़िया